फैसले के बिल्कुल असहमत हूँ. मुझे लगता है ये गलत फैसला है. और सीधी बात है, एक तरीके से अगर आप ये कहते हो कि शादी में रहते हुए अवैध संबंध बनाना अगर अपराध नहीं है, तो आप तो पूरे देश को एक ओपन जनरल लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई शादियों में रहिए और अपराध कीजिए, और मतलब ये अवैध संबंध बनाइए और वो अपराध भी नहीं होगा. तो इसको कैसे ठीक कहा जा सकता है? अगर ये अपराध नहीं है तो फिर शादी की सैंक्टिटी क्या है? फिर शादियां भी बैन कर दो. तो मेरे हिसाब से जो आज का निर्णय है ये बिल्कुल गलत है, ये महिला विरोधी है. 497 ये कहता है कि अगर एक पुरुष शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाता है तो वो तो अपराधी है, लेकिन अगर महिला अवैध संबंध बनाती है वो अपराधी नहीं है. तो इसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि भाई अगर महिला बनाएगी इस तरीके से अवैध संबंध शादी में रहते हुए तो वो भी अपराधी है. दोनों को अपराधी घोषित करने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी अपराधी नहीं है, तो फिर शादियां भी बैन कर दो. मैं इस जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि जो दिल्ली महिला आयोग में महिलाएं आती हैं उनमें से बहुत अधिकतर तबका होता है जिनके पतियों ने उनके साथ दगा करा होता है, धोखा दिया होता है. ऐसी सिचुएशन में हम उसको कैसे ठीक मान सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो आज जजमेंट आया है वो महिलाओं के और बच्चियों के, लड़कियों के दर्द को बढ़ाने वाला जजमेंट है, उसे कम करने वाला जजमेंट है. लेकिन मैम, कई सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के तौर पर पति अपनी पत्नी को नहीं समझ सकता, समानता की बहुत ज्यादा जरूरत है. इन सब टिप्पणियों पर आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हैं. ये बातें तो होती ही हैं, हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, जजमेंट में लिखी भी ये बातें, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? ये इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलकर आज डिसीजन तो ये हुआ है ना कि अगर एक औरत का पति किसी और औरत के चक्कर में होता है या किसी और औरत के साथ अवैध संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं है. अरे ये कैसे महिला विरोधी नहीं हो सकता? ये तो सीधे सीधे महिला विरोधी है. पूरे देश में देख लीजिए कितनी औरतें ऐसी हैं जिनका अवैध संबंध है किसी आदमी के साथ शादी में रहते हुए, और कितने आदमी ऐसे हैं जिनका अवैध संबंध है औरतों के साथ शादी में रहते हुए. तो मुझे लगता है यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए. दोनों के लिए इक्वल कर दीजिए ना भाई. प्रॉपर्टी नहीं है एक महिला, मैं मानती हूँ, लेकिन एक शादी है. शादी की कोई तो सैंक्टिटी होती होगी. जब एक शादी में जब एक महिला जाती है तो ये सोच के जाती है ना कि कोई तो उसकी सिक्योरिटी होगी. आदमी का जब मन आया, कभी यहाँ शादी कर ली, फिर कभी किसी और के साथ चक्कर चला लिया, और ये अपराध भी नहीं होगा. तो फिर तो एक तरीके से आप लाइसेंस दे रहे हो पूरे देश को. तो क्या ये लाइसेंस इस देश को मंजूर है? मेरे हिसाब से तो मंजूर नहीं होना चाहिए. अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं, उसकी मैं इज्जत भी करती हूँ, लेकिन ये जो निर्णय हुआ है इसकी मैं बिल्कुल खिलाफ करती हूँ. एक तरफ आप उसका विरोध कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करें तो इसका समर्थन करती नजर आ रही है. मुझे लगता है उन्हें शर्म आनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो महिलाएं हैं ना उनके दर्द से कोसों दूर हैं. मुझे नहीं लगता कि वो बैठ के अपने ऑफिस में कभी हियरिंग भी लेती होंगी या किसी से बात भी करती होंगी. अगर वो बात करती तो उनको पता चलता कि इस देश की महिलाओं की सच्ची समस्या क्या है, वो कहाँ पे अपने आप को कमजोर महसूस करती है. यहाँ पे इतनी महिलाएं आती हैं, चाहे वो CEO हो, चाहे वो कोई गरीब झुग्गी की महिला हो, सबका यही रोना है कि उनके पति ने उनके साथ गलत किया, उनके पति ने उनको छोड़ के किसी और महिला को अपनाया. तो इस चीज को वो कैसे उसके ऊपर ठप्पा लगा सकती हैं? कैसे इस जजमेंट का तो सबसे पहले उन्हें विरोध करना चाहिए था. तो मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने करा है ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है. ऐसे जजमेंट का मुझे नहीं लगता कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था. मेरे को लगता है उन्हें इस देश से माफी मांगनी चाहिए.